इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद बुढ़ार अंतर्गत राकेश की ऐसी धाक है मानो वह जनपद के मुखिया से भी आगे निकल गए। राकेश की ऐसी हिमाकत की 80% कार्य कराने के बाद भी कार्य में गुणवत्ता अपनी गुणवत्ता को खो रहा है। ये राकेश कोई आम शख्स नहीं है, पहले भी ये विवादों में घिरा रहा है। कभी पत्रकारों से अपना कारनामा छिपाने वाला ये राकेश पत्रकारों से कभी झड़प करता है, कभी पत्रकार व अधिकारियों को अपनी जेब में रखने की बात करता है। किसी शायर ने लिखा है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। घोरवे पंचायत अंतर्गत स्टाप डैम का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और कार्य में हिला हवाली इस कदर हुई है कि पूरे डैम का नक्शा अपनी स्थिति बयां कर रहा है। रोड की गुणवत्ता से लेकर चोरी की रेत व अन्य सामग्रियों में पूरा खेला हुए है। विंग हाल की स्थिति ऐसी है कि मानो वहां सिर्फ गिट्टी, रेत और सीमेंट है, लोहे की उपलब्धता ही नहीं। सांसद विधायक मर्दों के कार्य में जिस कदर डांका मारा जा रहा है, वह तो जनपद के दर्जनों कार्यों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। स्टाप डैम लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, फिर भी अब तक इनमें कार्यों का विवरण छिपते हुए सूचना पटल तक नहीं लगाया गया। ऐसे में ये आभास होता है कि कार्य में कितनी पारदर्शिता है। मामले में सचिव राकेश त्रिपाठी से बात करने पर राकेश ने कहा कि आप अनु सिंह से बात कर लीजिए और अपनी चोरी को बचाने के लिए उसके पत्रकार पर ST SSC एक्ट लगाने की धमकी दी। मुझे जानकारी नहीं है कि क्या हुआ, मैं किसी राकेश को नहीं जानता। अनु सिंह भाजपा नेता, अगर ऐसा हुआ है तो सचिव को दंडित किया जाएगा। स्टाप डैम में बेमानी हुई है तो उसे निलंबित किया जाएगा। मुद्रिका सिंह, CEO बुढ़ार, आपने बताया है कि अभी नई आई हूँ, ये कार्य मेरे आने से पहले का है। कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए, मैं कल जाकर देखती हूँ। पुष्पांजलि तिवारी, पंचायत में कोई ठेकेदारी नहीं है, मैं इस मामले में कार्यवाही करूँगी। विधायक मनीषा सिंह, मेरी कोई नहीं सुनता और मुझे मामले की जानकारी नहीं है, फिर भी मैं कार्यवाही के लिए बात करूँगी। उमा ध्रुवे, जनपद अध्यक्ष। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।